मैंने भगवत गोपा के लिए काम नहीं किया, मैं पार्टी के लिए काम किया, भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी, देश के लिए काम किया। गद्दार डी के सिद्धराम जो डुप्लीकेट हिंदू, उसके मतलब उसके हिसाब से कैसा हिंदू होना चाहिए था? एमपी साहब बीजेपी के होते हुए भी मुझे विरोध की रहे, डॉक्यूमेंट के साथ में उसने प्रेस मीट किया। 8 साल 9 साल में इतना तकलीफ दिया, वो बोलूँगा तो 2 दिन लगेगा, इतना तकलीफ दिया है। वोट का काम हो, कार्यकर्ता का हो, अपमान हो, टिंगल हो, टवाली हो, लमन, एक एक शब्द बोला है ना, बहुत बोला है। कि अगर वो ईश्वर सिंह सही हिंदू होता तो नागमार पल्ली को सपोर्ट करता, तो डी के सिद्धराम का जो असली हिंदू जो बोलता है वो नागमार पल्ली को सपोर्ट करने वाला। अरे भाई डी के, वो गद्दार डी के सिद्धराम, उनके घर की चाकरी करने दो। ईश्वर सिंह ठाकुर किस प्रकार का हिंदू है जनता को मालूम नहीं है क्या? सर अभी आप ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, इसका मकसद क्या है? एक तो सबसे पहले ये जो 2023 का चुनाव में हमारी औराद की महाजनता ने जो आशीर्वाद किया, ये विजय औराद की महाजनता का विजय है। ये विजय हमारे कार्यकर्ताओं का, जो हमारे हर चीज से बूथ अध्यक्ष से लेके पूरे हमारे शक्ति केंद्र, महाशक्ति केंद्र, हमारे पदाधिकारी, तालुका अध्यक्ष, सभी हमारे प्रभारी, सभी नेताओं का ये जीत है। मैंने आज रिस्पेक्ट क्यों कि 2018 में भी हमारे भगवंत गोपा जी अंदर अंदर से विरोध करे, फिर भी जनता ने मुझे आशीर्वाद किया, और 2023 में भी हमारे केंद्रीय मंत्री एमपी साहब ने कुछ हमारे बीजेपी के लोगों को रिजाइन करके गांव में, इधर देखो, गांव में भेज के विरोध करवाया, और वो पेपर में भी आया, प्रेस मीट किया। इसीलिए मैं एमपी साहब बीजेपी के होते हुए भी मुझे विरोध की रहे, डॉक्यूमेंट के साथ में उसने प्रेस मीट किया। सर आपने कुछ दिन पहले जब आप जीत चुके थे उस दिन एक मीडिया से बात करते हुए ये भी कहा था भगवंत गोपा साहब ने 300 लोगों को भेजकर आपके खिलाफ काम कराया। वही बोल रहा हूँ, 300 लोगों को भेज के काम कराया। लोगों का तो ये कहना है, लोगों में तो ये चर्चा है कि हमारे बी टीम को सामने करके एमपी साहब कांग्रेस को फंडिंग भी किया। मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये पब्लिक बोल रही है, पब्लिक का ओपिनियन है, कार्यकर्ताओं का ओपिनियन है, पेपर में भी आया कि बीटीएम लोग और एमपी साहब मिलके कांग्रेस को फंडिंग किया करके, ये भी है। उसीलिए हमको तकलीफ हुआ, हमारा पार्टी का सिद्धांत, हमारा पार्टी का एमपी, हमारा पार्टी का मंत्री और हमको विरोध करता है, तो ये बहुत, ये उसने जनता को सबको मालूम बना करके हमने प्रेस मीट किया। क्या वजह होगी सर आपके खिलाफ साजिश करने की, जैसे कि ईश्वर सिंह ठाकुर साहब जो बीदर नॉर्थ से कंटेस्ट कर रहे थे बीजेपी पार्टी से, उन्होंने भी कहा है कि सिद्धराम जो कि डी के सिद्धराम साहब है उन्होंने भी यहाँ पर खिलाफ काम किए, तो भारतीय जनता पार्टी के ही मेम्बर भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ काम करने की वजह? मैं बोल रहा हूँ ना, सबके गुरु महागुरु एमपी साहब ही है, कैप्टन एमपी साहब ही है। सर अगर 2024 में भगवंत गोपा को टिकट मिला तो आप सपोर्ट करेंगे? आप कुछ तीसरी बार पूछ रहे हैं आप, मैं क्या बोला हूँ, पार्टी का जो भी कैंडिडेट होगा, मैं पहले बोल चुका, पार्टी मेरी माँ है। 2018 में भगवंत गोपा विरोध किया मेरे को, तो 2 टेंट लगवाया, यड़ा पाया तब 2 टेंट लगवाया, झगड़ा हुआ, फिर भी 19 में मैंने काम किया। मैंने भगवंत गोपा के लिए काम नहीं किया, मैं पार्टी के लिए काम किया, भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी, देश के लिए काम किया। आगे जिसको टिकट मिलता है तो हम काम करेंगे, मैं बोला, मेरे पार्टी मेरी माँ है, पार्टी को मेरा विरोध नहीं है, व्यक्ति को विरोध है, एमपी को जो वो विरोध किया करके मैं बोल रहा हूँ। मैं आज तक इतना तकलीफ दिया, हम कभी प्रेस मीट नहीं किया, मेरा फर्स्ट प्रेस मीट, 8 साल 9 साल में इतना तकलीफ दिया, वो बोलूँगा तो 2 दिन लगेगा, इतना तकलीफ दिया है। वोट का काम हो, कार्यकर्ता का हो, अपमान हो, टिंगल हो, टवाली हो, लमन, एक एक शब्द बोला है ना, बहुत बोला, फिर भी मैंने सहन किया। लेकिन हाँ, जो खुल के जो टीम को भेज दिया, टीम को भेज के विरोध करने लगाया, कांग्रेस को फंडी किया करके लोग बोल रहे हैं, ये सब होने के बाद मैं आपके सामने पेश किया हूँ। सर पार्टी में डी के सिद्धराम में प्रेस मीट में ईश्वर सिंह ठाकुर को डुप्लीकेट हिंदू है उनके, इसके बारे में क्या? डुप्लीकेट कौन है, वो पब्लिक को मालूम है,
डुप्लीकेट कौन है, ओरिजिनल कौन है, वो सब पब्लिक को मालूम है। उसके लिए इसके बारे में ठाकुर साहब बताएंगे। डुप्लीकेट हिंदू का मतलब जो डीके सिद्धराम, मैं गद्दार डीके सिद्धराम बोलता हूँ, गद्दार डीके सिद्धराम जो डुप्लीकेट हिंदू, उसके मतलब उसके हिसाब से कैसा हिंदू होना चाहिए था कि ईश्वर सिंह ठाकुर, उसने जो स्टेटमेंट बोला है गद्दार डीके सिद्धराम, उसने जो स्टेटमेंट बोला है कि अगर वो ईश्वर सिंह सही हिंदू होता तो नागमारपल्ली को सपोर्ट करता। तो डीके सिद्धराम के डीके सिद्धराम का जो असली हिंदू जो बोलता है वो नागमारपल्ली को सपोर्ट करने वाला। अरे भाई डीके, वो गद्दार डीके सिद्धराम, उनके घर की चाकरी करने दो। ईश्वर सिंह ठाकुर किस प्रकार का हिंदू है जनता को मालूम नहीं है क्या? बीदर की जनता जानती है 35 साल से हिंदुओं के लिए मर मिटने वाला ईश्वर सिंह ठाकुर है, उसके लिए वो परिवार की चाकरी हो सकती है, चाकरी करने के लिए बोलने दो उन्हों। तो उसके लिए वो गद्दारों के बारे में ज़्यादा बात करेंगे ना तो बात बढ़ती जाएगी। सर बीदर डिस्ट्रिक्ट में भारतीय जनता पार्टी के 2 सीट बढ़ चुके हैं, जैसे हुन्नाबाद और बीदर सब, तो बीदर में क्या तब्दीली आएगी? भारतीय जनता पार्टी के 4 सीट आने पर क्या ऐसा विकास करेंगे आप लोग? 4 सीट आए हैं आपके के प्रभु चौहान साहब जी तो लगभग 15 साल विकास का काम किए हैं और यहाँ से भी विकास काम करने का एक ही है, और नए हमारे MLA भी चुन के आए हैं, 100% वो अपने अपने क्षेत्र में विकास का काम करेंगे। और मैं देखिए, मैं जिस विचार को लेकर चुनाव लड़ा हूँ, इतना विरोध करने के बाद, इतना वाम मार्ग करने के बाद ईश्वर सिंह ठाकुर के ऊपर वो साइलेंट हो गया है, सरेंडर, इतने बड़े आरोप करने के बाद भी बीदर की जनता ने मुझे 18,000 वोट दिए हैं। और जो लोग विरोध कर रहे थे, जो लोग इस तरह से मेरे ऊपर अफवाह कर रहे थे, वो मुंह के बल गिरे है ना। देर कैसा है, अगर आप किसी के ऊपर प्रहार करोगे उल्टा आपके आपके सर पे गिरेगा, ये इस चुनाव में हो गया है। सर क्या 2024 में आप BJP एस्पिरेंट कैंडिडेट होंगे MP के लिए? हाँ, भारतीय जनता पार्टी में हर एक कार्यकर्ता को टिकट मांगने का अधिकार है और 100%। देखिए, इतना विरोध के बाद भी मुझे भारतीय जनता पार्टी ने 18,000 वोट दिए हैं। सही तो वो लोग बोल रहे थे कि ईश्वर सिंह ठाकुर 5,000 में निपट जाएगा, ईश्वर सिंह ठाकुर को 18,000 वोट मिले हैं। और जिले में जिला और गुलबर्गा जिला और उत्तर कर्नाटक में ईश्वर सिंह ठाकुर पॉपुलर है, और मैं कार्यकर्ता हूँ, हर कार्यकर्ता को टिकट मांगने का अधिकार है। वो हमारे पार्टी को धोखा किया है, औराद में धोखा किया है, आनंद में धोखा किया है, इधर ठाकुर को धोखा किया है, ये हम जनता के सामने ला रहे हैं। देखो, जो जो उन्होंने किया है आपके पेपर में आया, जो लोग पार्टी का रिजाइन देके गया तो भी आपके पेपर में आया। प्रभु चौहान दिल से खुलने बोल रहा है, आपके पेपर में आया, पेपर पढ़िए। और भी मेरे पास डॉक्यूमेंट्स है, मेरे पास डॉक्यूमेंट है, वो जब समय आएगा सब डॉक्यूमेंट में पेश करूंगा। ओके, अभिनंदन खिलाड़ी को। ये सभी मेरे पास डॉक्यूमेंट है।